उड़ीसा के एक छोटे से शहर का लड़का जिसके पास ना डिग्री थी ना पैसा, उसने मात्र 21 साल की उम्र में एक ऐसा मुकाम हासिल किया जिसका सपना दुनिया का हर एक एंटरप्रेन्योर देखता है। जी हाँ दोस्तों, जिस उम्र में व्यक्ति अपनी पढ़ाई और करियर के बारे में सोचता है, जिस उम्र में बच्चे कॉलेज जाकर मौज मस्ती करते हैं, उस उम्र में रितेश अग्रवाल ने 360 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी और ये साबित कर दिया किसी भी काम को शुरू करने के लिए उम्र या पैसे की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है तो बस एक अच्छे आइडिया की जो आपकी जिंदगी बदल दे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कैसे रितेश अग्रवाल ने संघर्ष से सफलता तक का सफर तय किया और उन्हें ये मुकाम हासिल करने में किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इस वीडियो में आपको कई बिजनेस लेसन मिलेंगे जो आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। रितेश अग्रवाल का जन्म उड़ीसा के बिसाम शहर के एक बहुत ही साधारण से मारवाड़ी परिवार में 16 नवंबर 1993 में हुआ था। इनके पिता एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में काम करते हैं और उनकी माँ एक हाउसवाइफ है। रितेश जब फोर्थ क्लास में थे तब उन्होंने अपनी बहन से एंटरप्रेन्योर वर्ड सुना। उन्हें ये वर्ड इतना अच्छा लग गया कि रितेश अग्रवाल ने उसी वक्त से ठान लिया था कि उन्हें डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना, उन्हें एक एंटरप्रेन्योर बनना है। वो हमेशा इस बारे में सर्च करते रहते। जब स्कूल में पूछा जाता कि तुम क्या बनना चाहते हो, तब भी वो यही बताते कि मैं एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ। वो अपना आइडल स्टीव जॉब्स, बिल गेट और मार्क जुकरबर्ग जैसे दिग्गज एंटरप्रेन्योर को मानते थे और उनके जैसा बनना चाहते थे। उन्होंने अपनी 12वीं की पढ़ाई अपने जिले के ही स्कूल से करी और जो एक मिडिल क्लास फैमिली का सपना होता है उसे पूरा करने के लिए कोटा आ गए ताकि वो IIT की प्रिपरेशन कर सके और एग्जाम क्रैक कर सके। लेकिन रितेश के ऊपर एंटरप्रेन्योर बनने का ऐसा जुनून सवार था कि वो हर हफ्ते कोटा से दिल्ली आते ताकि यहाँ वो एंटरप्रेन्योर इवेंट, सेमिनार और मीटिंग में हिस्सा ले सके। लेकिन ये बात वो अपने घर वालों को नहीं बताते थे। रितेश पढ़ाई में बहुत तेज थे लेकिन उनके दिमाग में बस यही चलता रहता कि उन्हें कैसे भी एंटरप्रेन्योर बनना है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। इस दौरान उन्होंने कई दुकानों पर मोबाइल सिम बेचने का भी काम करा। वो पहले एशियन थे जिसका सिलेक्शन थील फेलोशिप में हुआ। थील फेलोशिप पेपल को फाउंडर पीटर थील द्वारा जारी किया गया एक स्कॉलरशिप है जिसमें यंग एंटरप्रेन्योर को $100,000 का चेक अवार्ड में दिया जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं आखिर ओयो की शुरुआत कैसे हुई। रितेश अग्रवाल एक इंटरव्यू में कहते हैं कि जब मैं अपने माता पिता के साथ तीर्थ यात्रा पे जाता था तब सबसे बड़ी समस्या जो आती थी वो थी एक अफोर्डेबल होटल ढूंढने की, क्योंकि हर कोई 5-स्टार होटल अफोर्ड नहीं कर सकता था। अगर एक अफोर्डेबल होटल मिल भी जाता था तो वहाँ के हालात बहुत खराब होते थे। दोस्तों, आज भारत में मेक माई ट्रिप, GoIBibo और ओयो जैसे कई सारे ऐप आ गए हैं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन 2010 या 11 में ना चाहते हुए भी आपको होटल लेना ही पड़ता था। रितेश ने सोचा कि क्यों ना इस होटल सेक्टर की समस्या को अवसर में बदल दिया जाए। रितेश ने इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि इंडिया में बहुत कम लोग ही हैं जो अच्छे एक्सपीरियंस वाले होटल अफोर्ड कर सकते हैं। उन्होंने मिडिल क्लास फैमिली की प्रॉब्लम को समझा और इस प्रॉब्लम को रितेश ने अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। उन्हें ये पता था कि लोग प्रॉपर्टीज तो बना लेते हैं लेकिन उसे बेचने में बहुत टाइम लगता है, वो तब तक ऐसे ही खाली पड़ा रहता है। रितेश ने इसी बात का फायदा उठाया और इन प्रॉपर्टीज को लीज पर लेना शुरू कर दिया और मात्र 17 साल की उम्र में बिना पैसे लगाए उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था ओरवेल स्टे प्राइवेट लिमिटेड। वो ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उन्हें बचपन से ही कंप्यूटर से प्यार था और मात्र 10 साल की उम्र से ही रितेश ने कोडिंग के डिफरेंट लैंग्वेज सीखने शुरू कर दिए थे। स्टार्टिंग में जब रितेश लीज पर प्रॉपर्टी लेने के लिए होटल ओनर या हाउस ओनर के पास जाते थे तो कई बार प्रॉपर्टी ओनर उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते थे क्योंकि उस वक्त वो मात्र 17 साल के थे। प्रॉपर्टी ओनर्स को ऐसा लगता था कि ये अपने माँ बाप का पैसा लेकर बिजनेस करने आया है, थोड़ा सा लॉस होते ही भाग जाएगा। लेकिन
उन्हें ये पता नहीं था कि रितेश की जर्नी कितनी लंबी होने वाली है। रितेश अग्रवाल ने होटल से ज्यादा हाउसिंग स्टे पर ध्यान दिया और घरों को रेंट पर या लीज पर लेना शुरू कर दिया। शुरुआत में उनकी सिर्फ 5 लोगों की टीम थी। उन्होंने जब पहले घर को होटल में तब्दील करने का प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, उसके बाद उसके पास बहुत सारे प्रॉपर्टी ओनर्स के कॉल आने लगे और अब वो भी अपने प्रॉपर्टीज को होटल में कन्वर्ट करना चाहते थे। यहाँ से रितेश की सफलता की कहानी शुरू होती है। रितेश कहते हैं कि शुरुआत के 10 घरों को उन्होंने खुद होटल में कन्वर्ट करा है। इस बीच उन्हें कई ऐसे घर भी मिले हैं जिसकी हालत बहुत बेकार थी। वो खुद रूम साफ करते थे, फर्नीचर चेंज करते थे और जरूरत पड़ने पर उन्हें पेंट भी करते थे। अब रितेश के पास प्रोजेक्ट बढ़ने लगे थे। उनका इतना सारा काम वो सिर्फ 5 लोगों की टीम के साथ नहीं कर सकते थे। अब उन्हें अपना बिजनेस एक्सपेंड करना था और एक्सपेंड करने के लिए उन्हें फंड की जरूरत थी। लेकिन इस दौरान ही रितेश अग्रवाल की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ आया। उन्होंने 2013 में पीटर थिल फेलोशिप के लिए अप्लाई किया और वो पहले एशियन थे जिसका सिलेक्शन थिल फेलोशिप में हुआ। थिल फेलोशिप पेपल को फाउंडर पीटर थिल द्वारा जारी किया गया एक स्कॉलरशिप है जिसमें एंटरप्रेन्योर को $100,000 का अमाउंट अवार्ड में दिया जाता है। रितेश को भी पीटर थिल फेलोशिप के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है। रितेश एक इंटरव्यू में कहते हैं कि उनके लिए ये एक अमेजिंग और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो ऐसे स्मार्ट लोगों से मिलने जा रहे थे जिन्होंने दुनिया भर में कई $1 बिलियन की कंपनी खड़ी कर रखी थी। वो इस बात को भी लेकर काफी एक्साइटेड थे कि वो पहली बार इंटरनेशनल फ्लाइट में सफर करने जा रहे थे। 2013 में फेलोशिप मिलने के बाद अब रितेश अग्रवाल के पास $100,000, जो उस वक्त लगभग 72 या 73 लाख रुपए हुआ करते थे, उन्होंने फेलोशिप का सारा पैसा अपने बिजनेस में लगा दिया। ओरवेल का नाम बदलकर ओयो कर दिया और बेस्ट 100 लोगों की टीम तैयार करी। रितेश अग्रवाल एक बार अपने स्टाफ से पूछते हैं, 2014 में हमारा रूम लेने का क्या टारगेट होना चाहिए? कोई 30 बोलता है, कोई स्टाफ 40 बोलता है, तो कोई 45। रितेश अग्रवाल कहते हैं कि हम इस साल 100 रूम लेंगे। वहाँ जितने भी स्टाफ थे वो चौंक जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि लगता है रितेश अग्रवाल का दिमाग फिर गया है। जैसे हर साल नए स्टार्टअप्स आते हैं और बेवकूफी की वजह से बंद हो जाते हैं, रितेश का भी वही हाल होने वाला है। लेकिन जब रितेश अपना आइडिया बताते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी समझाते हैं, तब जाकर स्टाफ को समझ आ जाता है कि रितेश के प्लान में दम है। स्टाफ इतनी मेहनत करते हैं कि जो एक साल का टारगेट होता है वो सिर्फ 1 महीने में कंप्लीट कर देते हैं। वो जहां 100 रूम का टारगेट रखते हैं, मात्र 1 महीने में 135 रूम का टारगेट अचीव कर चुके होते हैं। इसके बाद जो रितेश अग्रवाल ने सफलता की उड़ान भरी, उसके बाद वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। आज ओयो 80 देशों के 800 शहरों में अपनी सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। भारत में होटल्स की कैटेगरी में नंबर 1 तो है ही, बल्कि चाइना में भी टॉप 5 में है। अगर रूम काउंट की बात की जाए तो पूरी दुनिया में ओयो 3रे स्थान पर आता है। दोस्तों, आज ओयो ने होटल्स बुक करना इतना आसान कर दिया है कि सिर्फ कुछ क्लिक्स में आप घर बैठे कहीं भी होटल बुक कर सकते हैं। आज रितेश अग्रवाल लगभग 7,256 करोड़ के मालिक हैं। वो कहते हैं कि आप जब कोई स्टार्टअप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो अपनी फैमिली से अलग होकर स्टार्टअप स्टार्ट करिए। जब आप अपने 20s में होते हैं तब आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत कम होती है। आप मैरिड लाइफ से दूर होते हैं, आपको बच्चों को स्कूल छोड़ने नहीं जाना पड़ता है, आप इन सभी जिम्मेदारियों से दूर होते हैं। इस वक्त आपके पास एबिलिटी होती है कि आप सपने देखें और सपनों को हकीकत में बदलें। दोस्तों, ये थे भारत के सबसे यंग एंटरप्रेन्योर जो आज यंग जनरेशन के लिए इंस्पिरेशन है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब